मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर में दूसरी सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा। पहले जैसे जल लेकर आए कांवड़िए पूरे उत्साह के साथ अर्घा में जल अर्पित कर बाबा का जयकारा लगा रहे थे। हरिसभा से पानी की टंकी, जिला स्कूल, छोटी कल्याणी, प्रभात सिनेमा रोड होते हुए बाबा गरीबनाथ मंदिर तक पंक्तिबद्ध कांवड़िए बाबा के नाम का उद्घोष करते आगे बढ़ रहे थे। पूरा इलाका भक्तिमय रहा। बाबा को जलाभिषेक अर्पित करने वाले कांवड़िए हो या उनकी सहायता करने वाले स्वयं सेवक, सभी बाबा के प्रति समर्पित भाव से जुटे थे। गरीबनाथ मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर स्थित माखन साह चौक से कांवड़ियों को नियंत्रित कर आगे बढ़ाया जा रहा था। डाक बम लेकर आने वाले कांवड़ियों को हरिसभा चौक से सीधे साहू रोड होते हुए मंदिर मार्ग में प्रवेश कराया जा रहा था। उन्हें रास्ते में किसी तरह की बाधा ना हो इसका ख्याल रखा जा रहा था। आधी रात के बाद से जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों की भीड़ और बढ़ गई। हालांकि पुलिस बल और स्वयं सेवकों ने सुरक्षित तरीके से सभी को जलाभिषेक कराया। रास्ते में कोई कांवड़िया चलने में असमर्थ हो जाता तो उसे सहारा देने के लिए एक दूसरे कांवड़ियों में होड़ लग जाती। चलने में असमर्थ कांवड़ियों की बांह अपने गले में डालकर दूसरे कांवड़िए उसे आगे बढ़ा रहे थे। हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर दिखा। रास्ते में स्वयं सेवक भी कांवड़ियों की मदद कर रहे थे। चलने में असमर्थ कांवड़ियों को शिविर में बिठाकर उनके पैर को गर्म पानी से धोया जा रहा था, फिर मलहम पट्टी की जा रही थी। साथ ही उन्हें चाय, पानी और दूध दिया जा रहा था। कई स्वयं सेवक कांवड़ियों को सहारा देकर उन्हें लेकर चल रहे थे। रास्ते में कांवड़ियों के पैर पर पानी पटाने के लिए भी लोगों की होड़ लगी थी। लोग घरों से बाल्टी में पानी लेकर आते और कांवड़ियों का पैर धोते। आस्था और समरसता का ऐसा नजारा देखकर अन्य लोग भी सेवा करने के लिए तत्पर दिखे। अर्घा में बाबा को जल अर्पित करने की व्यवस्था के कारण हजारों कांवड़ियों ने बाबा को दो बार जलाभिषेक किया। आपको बता दें कि बीते रविवार की दोपहर में बाबा नगरी आने वाले कांवड़ियों ने एक लोटा जल पहले गर्भगृह में जाकर बाबा को चढ़ाया और दूसरा लोटा जल रविवार की रात्रि 12 बजे के बाद चढ़ाने के लिए रखा। कांवड़ियों का कहना है कि रात्रि में जलाभिषेक करते समय बाबा का दर्शन नहीं हो पाता है, इसलिए एक लोटा जल पहले चढ़ा लिया। बाबा पर सोमवार को ही जल चढ़ाने की परंपरा है, इसलिए एक लोटा बचा कर रख लिया, उसे रात में बाबा पर चढ़ाएंगे। कांवड़ियों का सैलाब भक्ति की एक नई परिभाषा गढ़ रहा है। कांवड़ियों की भीड़ से बाबा नगरी की ओर आने वाले रास्ते नारंगीमय हो गए। ऐसा लग रहा था कि सड़कों पर नारंगी रंग की चादर बिछ गई हो। बोल बम के उद्घोष के साथ कांवड़िया लगातार आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान पूरा इलाका भक्तिमय रहा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।